अब की बार कुछ अलग कर लो यार, बहुत हो गए इंजीनियर्स, बहुत हो गए MBBS, ये 21st सेंचुरी PharmD की है। तो अब हम जानेंगे PharmD के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ली जाए। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इकलौते दो कॉलेजेस है जो कि गवर्नमेंट है और PharmD सिखाते हैं। तो बात करेंगे वहाँ पे एडमिशन कैसे ली जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसमें आपको 50% मार्क ज़रूरी है, और साथ ही HSC में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क होने ज़रूरी है। अगर आपका मैथ्स ग्रुप नहीं भी है तो भी आप फर्स्ट ईयर PharmD में रिमेडियल मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट देके आप अपना मैथ्स ग्रुप निकाल सकते हो। अब बात करेंगे आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स की, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र के बाहर सीखते हैं उनके लिए क्या है। तो उनके लिए हर एक कॉलेज में आउट ऑफ महाराष्ट्र सीट्स होती है, तो OMS कोटे में आपको एडमिशन मिल सकती है। गवर्नमेंट में एडमिशन मिलना हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। इसके लिए आपको उस प्राइवेट कॉलेजेस से कॉन्टैक्ट पर्सनली करना पड़ेगा, सो आपको वो अधिक जानकारी दे सकते हैं। और आपको अगर और भी अधिक जानकारी चाहिए तो dtemaharashtra.gov.in पर जाके आप वहाँ के सब रेगुलेशन एंड रूल्स पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात करेंगे हम फीस के बारे में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो भी महाराष्ट्र में हैं तो उनकी फ़ीस ओपन कैटेगरी के लिए है 40,000, SC ST कैटेगरी के लिए अराउंड 100 to 200 rupees, और OBC कैटेगरी के लिए अराउंड 14,000 के पास फीस है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है उनकी फ़ीस 90,000 से 120,000 तक रेंज करती है। अब जो आउट ऑफ महाराष्ट्र कॉलेजेस है जो कि PharmD ऑफर करते हैं, जैसे कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो PharmD पोस्ट बैकलोरेट कोर्स आपको ऑफर करती है। तो उसमें एडमिशन लेना बहुत आसान है, आपको उनकी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है हर एक कॉलेज की, वो देनी पड़ेगी, और फिर आप उनको प्राइवेट कॉन्टैक्ट करके भी एडमिशन ले सकते हैं। वो आपको सारी जानकारी दे देंगे कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या लेना है। तो आपके आसपास का जो भी कॉलेज है वो आप लोकेट करिए जो PharmD ऑफर करता है, उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए जल्द से जल्द, और वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानकारी पूछिए तो आपको सब जानकारी दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी आपको बता देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और मुझको बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे तो मेरे को आप बेझिझक पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ PharmD के बारे में सवाल है तो मुझे मेरे पेज पे मैसेज कीजिए, पेज लाइक कीजिए, और मैं आपको वहाँ पे तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।